उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप नारी सशक्तिकरण को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने हर गांव में स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह का गठन कर अपने आर्थिक स्रोतों को बढ़ाने के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी स्कीमों की जानकारी बैठक कर लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा और अपनी समूह की महिलाओं के हर संभव मदद के लिए प्रयास कर रही है, जिससे क्षेत्र में करीब कई वर्षों से समूह का गठन किया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर महिलाओं का समूह के नाम पर शोषण भी किया जा रहा है। जहां गरीब महिलाएं आवाज उठाने से भी डरती हैं, ज्यादातर महिलाएं या तो समूह से बाहर निकल जाती हैं या फिर तमाम कठिनाइयों को झेलकर समूह चलाती हैं। हालांकि ज्यादातर विकास खंडों में इस तरह का प्रकरण नहीं है, फिर भी कई बार मिली शिकायतों के बाद कई जगहों पर ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन किसी कानूनी कार्रवाई के चक्कर में फंसने के डर से महिलाएं आवाज उठाने के बजाय चुप रहती हैं। मामला कुछ इसी तरह का बैंकों से भी जुड़ा हुआ है, जहां महिलाएं जल्द खाता खुलवाने की उम्मीद पर आए दिन बैंकों का चक्कर लगाती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि कुछ बैंकों के कर्मचारी हम लोगों से अभद्रता के साथ बातें करते हैं। इस मामले से जुड़ी कुछ समस्याओं के लिए जब नजदीक के सबसे पुराने यूनियन बैंक जलालाबाद के शाखा प्रबंधक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि समूह का खाता खोलने के लिए कई प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करने में भी समय लगता है और खोलने में भी। फिलहाल हमारे यहाँ कर्मचारियों की संख्या कम है जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है। वहीं बैंक में आई कुछ समूह की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मधुबाला। मधुबाला जी, जो स्वयं सहायता समूह खुला है उसमें महिलाओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए महिलाएं तो जैसे अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म भर लिए हैं, फॉर्म लेके जाती है बैंक में और बैंक मैनेजर लोग वो उनसे ढंग से बात नहीं करते, जल्दी खाता नहीं खोलते, उन्हें दो बार चार बार दस बार दौड़ाते हैं। महिलाएं इतनी एक्स्ट्रा नहीं है घर की इतनी सारी, जैसे कि एक अकाउंट खुलवाने के लिए और दस बार दौड़ेंगे। वो अपने घर से एक बार निकलती हैं तो हजार सवाल उठता है कि तुम लोग कहाँ जाती हो, और एक खाता खुलवाने के लिए अगर बार बार कहीं जाएंगी तो बताइए, क्योंकि घर में सब लोग हैं ना, उनके हस्बैंड है, उनके जैसे कि सास ससुर, उनके बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और बहुत सारे सवाल किए जाते हैं उनसे। तो ये जो है कि कर्मचारी लोग थोड़ा उनसे वो कहिए कि वो अच्छे से बात करे और महिलाओं की जो समस्या उसका समाधान करे और सुने। बाकी ब्लॉक में या फिर जो सरकार के जो मुलाजिम बनाए गए स्वयं सहायता समूह की समस्याओं को सुनने के लिए, उनका क्या बिहेवियर होता है आप लोगों से? कुछ भी नहीं होता है। वो क्या है कि समूह खाली बना दिया गया, उसमें फायदा की कुछ भी नहीं है, बस लोग नौकरी दे दिए, नौकरी दी गई है महिलाओं को जो है कि उन्हें मानदेय वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। गाँव में ज्यादातर महिलाओं को बीसी सखी, समूह सखी, तमाम रोजगार दिया गया, लेकिन बीसी सखी इस टाइम है जो बीसी सखी की पाँच छह महीने से मानदेय रुका हुआ है। समूह सखी का जो है कि दो साल में छह महीने का मानदेय मिला है, बाकी सब ड्राई राशन में दो साल से लगे हैं लोग, दो साल से उनको मानदेय नहीं मिला है। इस संबंध में जब आप कुछ अधिकारियों से बात करते हैं अपने विभागीय लोगों से तो उनका जवाब क्या मिलता है? बोलते हैं हमारे डीएमएम सर बोलते हैं कि मैं प्रोसेस बना के आगे भेज रहा हूँ, आगे भेजते हैं वो लोग या नहीं भेजते हैं वो हम नहीं देखते। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, हम लोग इतने साल से लगे हैं, मान लीजिए यहाँ मीटिंग है वहाँ मीटिंग है, ऐसे है वैसे है, मतलब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, हमारे घर के परिवार पूछते हैं नहीं तुम लोग बाहर जाते हो तुम लोग को फायदा क्या है। आप लोगों की क्या नाम आपका? अफसाना। अफसाना जी, जो सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह खुला है उसमें बैंक में जाने के बाद आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या वहाँ आसानी से पैसा मिलता है? नहीं सर, पैसा आसानी से तो मिलता नहीं है, एक घंटा दो घंटा कहते बारह बजे मिलेगा, एक बजे मिलेगा, करते करते शाम हो जाता है और अकाउंट भी खोलने में भी दिक्कत करते हैं लोग, डाउन है, नेट नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे करके बहानाबाजी कर देते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम यासीन जी। कहाँ की रहने वाली हैं? बैंकों में जो स्वयं सहायता समूह का आप लोग नाम बताती है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए, पैसा लेने के लिए, किसी प्रकार के किसी कार्य के लिए बैंक में जाती है तो किस तरह की समस्या होती है? सर वही महिलाओं को बार बार दौड़ाते हैं बैंक पर, कहते हैं आज नहीं होगा कल होगा, और जी सर महिलाओं को दौड़ाते रहते हैं और सही से काम भी नहीं करते हैं। कर्मचारियों का जो बिहेवियर होना चाहिए महिलाओं के प्रति उसमें क्या आता है सर? यही सर कि मतलब महिलाएं जाए तो अच्छा से उनका मतलब तुरंत समूह की महिलाओं को देखे तो उनको सर तुरंत उनका काम करें ताकि उनको भी एहसास हो कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार। ऐसा होता है? जी ऐसा नहीं होता है, महिलाओं को बहुत दौड़ाते हैं लोग, हम यही चाहते हैं कि महिलाओं को अच्छा व्यवहार करें ताकि बैंक को महिलाएं बार बार दौड़ना ना पड़े, भाई उनका भी घर परिवार है, सभी चाहता है कि हमारे महिलाएं एक दो बार भी जाए उनका काम हो जाए, बार बार नहीं होता है। क्या नाम आपका? मीरा भारती। समूह में रहती हैं? हाँ, समूह। कितने दिन से समूह में रहे हैं?
2017 से। जो मानदेय मिलना चाहिए आप लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, बाकी बैंकों में जो आप जाते हैं समूह खाता को लेकर किसी समस्या को लेकर, तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और क्या उनकी एक्टिविटी होती है? कहते हैं कि हमारे यहाँ जलालाबाद यूनियन बैंक की हम इसीलिए नहीं बैठे समूह को लेकर कि समूह का सारा काम करे, हमें और भी काम करना है। कौन बोलते हैं? बैठते हैं मैनेजर साहब। अच्छा, जो कंप्यूटर पे बैठते हैं या जो बैरिक में बैठते हैं? नहीं, जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो लाइन लगवाते हैं। अच्छा, जहाँ पैसा निकाला जाता है जहाँ से पैसा के लिए करते हैं। क्या कहते हैं समूह की महिलाओं के? कहते हैं कि हम इसीलिए नहीं बैठे हैं कि हम समूह का सारा काम करें, हमें और भी काम है, जाइए ब्लॉक के अधिकारियों से कहिए, वो अपना अलग बोले भाई। महिलाओं का जो खाता खुलता है स्वयं सहायता समूह का, आसानी से खुल जाता है? नहीं, आसानी से नहीं खुलता है, 2-3 महीने तो लग ही जाता है ब्लॉक से वहाँ यहाँ जाते आते। तो इसको लेकर आप लोगों ने जो अपने अधिकारी हैं ब्लॉक स्तरीय, ये लोग भी कहते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोग भी तो कहते हैं नहीं होता। नहीं होता। जो उचित मानदेय मिलना चाहिए, आप समूह सखी की बात हो, बीसी सखी की बात हो, जो ड्राई राशन आप लोग लेती हैं, ये सब मिलता है? राशन वाला भी जो है, अगर 1-2-4 पैकेट कम हो जाएगा तो उसके लिए आंगनबाड़ी ये कहेंगी वो कहेंगी, ब्लॉक से भी सुनना पड़ेगा, और भाड़ा जो है कहीं से ना कहीं से लेकर देना पड़ेगा। भाड़े नहीं मिलते हैं आपको? भाड़ा भी नहीं मिलता, एक बार आया था वो 27,000 रुपए और 2 साल के बाद, इसके बाद कोई भी पैसा नहीं। कुछ ही लोगों का आया था कि सबका आया था? नहीं, कुछ ही लोगों का आया था, लगभग हमारे ख्याल से आई है कुछ ही लोग का आया था। बाकी जो बैंक पे कर्मचारी हैं या फिर अन्य जो आप के संबंधित हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनका महिलाओं के साथ जो सम्मान होना चाहिए उस पर क्या? तो सम्मान ठीक है, और जैसा जो करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं ब्लॉक वाले भी।